जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और बना रही हूँ, सॉरी अपलोड कर रही हूँ, और रेसिपीज़ तो आपके साथ शेयर करती रही हूँ, लेकिन व्लॉग आज मैंने कहा कि शूट कर ही लिया जाए। काफ़ी सुस्तियाँ नहीं हुई एक्चुअली, बस थोड़े बहुत कामों में बिजी रहे हैं। और यहाँ पे एज़ यूजुअल क्लीनिंग मेरी मुकम्मल है, ठीक है। और यहाँ पे जनाब मैंने कल शाम जो है ना वो बलाई को इस तरह जो है ना दही के साथ जो है ना वो इसका लगाया था बनाने के लिए ना, देसी घी बनाने के लिए इसको जमाया था दही के साथ, ठीक है। बलाई को गर्म करके दही अंदर डाल कर इसके साथ जमाया था। फिर इसको बाद मैंने पूरी रात इसको फ्रिज में छोड़ दिया, ठीक है। फ्रिज के बाद अब इसको जो है ना मैं पहले आज मक्खन बनाऊंगी। पहले तो मैं डायरेक्ट इसी तरह गर्म करके देसी घी निकाल लेती थी, लेकिन आज मैंने मक्खन के साथ करना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा मक्खन चाहिए भी, तो इसलिए आज मैं मक्खन बना के तो फिर इसका देसी घी बनाऊंगी, थोड़ा सा मक्खन बचाऊँगी। और ये देखे जनाब जो मैंने आम का मुरब्बा बना के रखा था ना, ये देखें इसी तरह बाहरी पड़ा है, और ये देखें कहीं से ना ख़राब है, कुछ भी नहीं है, एज इट आपके सामने है, ठीक है ना। बस शीशे का कंटेनर होना चाहिए, और जिस तरह आपको दिया हुआ है ना, अभी जिसने मेरी ये रेसिपी नहीं देखी जाके ज़रूर देखें। और इस आम के मुरब्बे को अभी भी जाते जाते सीज़न के अगर आपको मिल जाते हैं तो आम का मुरब्बा बना के रख लें, ठीक है। पूरा साल ये ख़राब होने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगवाया था ये मैंने एक्चुअली द्रास से ही ऑर्डर किया था फ़िल्टर प्लांट, ठीक है, क्योंकि जनाब हम जो ले रहे थे ना ये वाली बोतल, ये बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, ठीक है। ये आपकी 300 तक बोतल पहुंच गई है, और इतना तो जारी बात है इंसान ने बाकी भी बजट देखना है, अपने घर को देखना है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना एक दफ़े ही खर्चा कर लिया जाए, तो एक दफ़ा ही आप अपना घर का पानी चीज़ें कर लें। इसमें जनाब जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली थी जिसे मैंने ख़रीदा था, तो उसके मुताबिक ये जो फ़िल्टर्स है ना ये आपने 6 महीने बाद चेंज कर लेना, ये कोई इतना कॉस्ट इसका नहीं है, ठीक है। 300 में ये काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं फ़िल्टर, तो आप 6 महीने के बाद चेंज इसका करते जाए, ठीक है। इसके साथ इसका पूरा जो है ना खोलने वाला मिला हुआ है रैकेट टाइप, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और उसके साथ आपने खोल के इसके चेंज करने हैं। मैं इसका वीडियो इसलिए नहीं अभी बना रही थी, इसका डेमो मैं दूंगी जब मैंने इसके फ़िल्टर चेंज करने हैं, फिर आपको ए टू जी इसका डेमो मिलेगा, इसलिए अभी मैं मोटा मोटा बता रही हूँ। ये मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 इसको बोलते हैं 5 प्लांट, ठीक है, 5 वाटर प्लांट है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, यहाँ से इसका पानी जनाब हम लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन था ना उसके लिए मुझे ये था कि मैं बहुत ज़्यादा हाईली खर्चा करना पड़ना था, किचन में पूरी वायरिंग करवानी पड़नी थी, तो मैंने ये खुद ही सारा लगाया है, ठीक है। ये देखे किले शिले ठोक ठाक के ये हमने खुद ही सारी मकैनिकी की है, और यहाँ से फिर मैंने पाइप यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है ना किराएदार रह के गए उन्होंने किया हुआ था इसके अंदर सुराख जाली में, मैंने यहाँ से पाइप लिया, अंदर भी जाके दिखा देती हूँ। ये बाथरूम में इसका पाइप ला के यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे एक्चुअली शावर का वो एक था एक्स्ट्रा नहाने वाला शावर का ना, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, कोई भी यूज़ भी नहीं करता था, तो क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं, एक ये शावर लगा हुआ ये ठीक है, या बकेट भर ली पानी की तो वो ठीक है, ठीक है। तो मैंने फिर यहाँ पर इसको जो ना इस तरह इंस्टॉल कर दिया इसका पाइप वहाँ से ला के, ठीक है, वो बाहर की तरफ लगा हुआ है। तो इस तरह जनाब हमने अपनी थोड़ी बहुत मकैनिकियाँ जो है ना वो बस अप्लाई कर ली है, और जनाब बस इसी तरह हमारी भी लाइफ चल रही है। होपफुली आप सब देखने वालों की भी लाइफ बहुत अच्छी जा रही होगी। बस जो इस दफ़ा बिजली के बिल है ना उन्होंने कमर तोड़ के रख दी है सबकी, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे जो है ना बस अब रहम फरमाए, और इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं। तो चले जनाब चलें जल्दी से करते हैं किचन का काम स्टार्ट, क्योंकि देखिए टाइम क्या हो गया है, टाइम हो चुका है 11:15, और आजकल दावर को छुट्टी हो रही है 12:30, क्योंकि गर्मी की वजह से उन्होंने टाइम थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, तो उसको भी लेने जाना है हमने। तो मेरे ख्याल से काफ़ी मैंने टप 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 बोल ली है,
चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो टिप्स ट्रिक्स मैं करती रहती हूँ ना एज अ हाउसवाइफ, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जो है ना वो उसका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है, चले जनाब अब हम बस क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और डम 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 इसको घुमा देंगे और ये बन जाएगा। ठीक है, चलें जनाब करते हैं काम। ये देखें जनाब, इसको ना बिल्कुल लो स्पीड पे मैं काफ़ी देर चलाती रही हूँ। पहले तो मैं एकदम हो गई कि शायद मक्खन बना नहीं है, लेकिन फिर मैंने इसको तकरीबन जो है ना 5-10 मिनट इसको छोड़ दिया लगातार, थोड़ी थोड़ी देर बाद मशीन बंद करती थी चला देती थी। और ये देखिए, ये आहिस्ता 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 हो गया, ये सारा मक्खन ऊपर आ गया ये इस तरह। ठीक है, और मैंने ठंडा यख बर्फ़ वाला पानी दिया है। ठीक है, वो इसके अंदर डाल के तो देन इसको हमने जो है ना ब्लेंड कर लिया। और मेक श्योर आपके हाथ जो है ना अच्छे से वॉश हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये सारी लस्सी नीचे और ऊपर ऊपर मक्खन का बन गया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है बहुत बड़ी। दूध में से देखें, दूध भी यूज़ होता है, फिर बलाई से मक्खन भी तैयार होता है, देसी घी भी तैयार होता है। ये अल्लाह ताला के कम नेमते हैं, फिर भी हम ना शुक्र लोग हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मक्खन तैयार हुआ है। चले जनाब अब एक हाथ से जो ना हैंडल करना मुश्किल होगा, मक्खन निकाल के ना फिर मैं आपको मिलती हूँ। जी जनाब, अभी मैं आपको डायरेक्ट शाम के टाइम अब मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह काम करते करते काफ़ी मैं लेट हो गई थी। फिर दारी बात है, दावर को स्कूल से लेने चली गई, इसको लेके आई, फिर आके वही जो घर की सबकी रूटीन एक जैसी होती हैं, लंच वगैरह दिया किया। अब दावर साहब स्टडी करके ऊपर आए हैं साइकिलिंग करने, क्योंकि अभी बाहर जो ना ऊपर फिर भी हवा चल रही होती है, बाहर अभी ना पार्क में ले जाने का मौसम नहीं है, तो इसलिए अभी छत पे ना इसका हम वहाँ पे लॉक लगा के ऊपर ही साइकिल रहती है। तो जब मौसम चेंज होगा फिर इंशाल्लाह ताला साइकिल फिर नीचे चली जाएगी और फिर ये पार्क शारक में जाया करेगा। इस टाइम ना अब मौसम क्योंकि शिफ्ट ले रहा है तो हवा जो ना वो चल पड़ती है इस टाइम, और मज़े का मौसम हो रहा होता है। ये पूरा का इवनिंग व्यू है, यहाँ से पूरा आप इस्लामाबाद पिंडी ये सारा इस तरफ है इस्लामाबाद, ये पूरा आपको इस्लामाबाद नज़र आ रहा होगा, इस तरफ ये सारा पिंडी है। तो चलें जनाब, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पेंट करती हूँ। होपफुली आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, और बाकी रहा फ़िल्टर प्लांट, तो उसका भी मैं बहुत जल्दी डेमो आपको दूंगी, अगर किसी ने लगवाना है तो वो लगवा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है थम्स अप, चलें खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।